नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्द्र मंगल, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैंने जो आर्बिट्रेज का जो वीडियो बनाया था और इंटरडे में कैसे प्रॉफिट किया जा सकता है वो आप लोग को दिखाना चाह रहा था। तो ये देखिए, मैंने इधर और भी एग्जांपल ले रहा हूँ। ICICI बैंक में मैंने सोच ली 428 में सेल किया है ऑक्टोबर फ्यूचर को, और ICICI बैंक इक्विटी को मैंने 426.15 में मैंने बाई किया हूँ। तो इधर आके कैसा क्या हो रहा है देखिए, ये 428 में जिसको सेल किया वो 2 पॉइंट ऊपर गया, और 426 में वो भी 2 पॉइंट ऊपर गया। तो एक मैंने 1 पॉइंट स्टॉप लॉस रखा था, तो 1 पॉइंट में आप लोग को प्रॉफिट आ सकता है। तो मैंने दूसरा एक्सचेंज में भी आप लोग को दिखाता हूँ। देखिए टाइम कम है तो मैंने आप लोग को एक एक एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ। मैं आप लोग दो एक्सचेंज में भी आप लोग कर सकता है। मैंने ये क्यों इसको चुन रहा हूँ, मैंने बार बार बोलता हूँ कि जितना सारा स्प्रेड जितना सा ज़्यादा है उसी को आप लोग को देखना है, वो आप लोग को चुनना पड़ेगा। सोच लीजिए इधर जो जब डिफरेंस था 989 में आप लोग BSE में बाई किया था और 994 में आप लोग सेल किया था। तो इधर देखिए अभी क्या बन रहा है, उसमें 3 पॉइंट उधर 3 पॉइंट मतलब सेल से 3 पॉइंट प्रॉफिट है और बाई से 1 पॉइंट का लॉस, माने मतलब 2 पॉइंट का प्रॉफिट होता है। तो आर्बिट्रेज आप लोग को इधर से मतलब मनी कंट्रोल से आप लोग चुन सकता है, मनी कंट्रोल साइड से भी आप लोग चुन सकता है, नहीं तो आप लोग मनी कंट्रोल साइड से देखिए एक के ऊपर आप लोग जो पॉजिटिव भी देख सकता है, नेगेटिव भी देख सकता है। ऑलवेज बाई चीपर और सेल एक्सपेंसिव, और नहीं तो आप लोग इधर एक्सेल फाइल में आप लोग बना ले सकता है फ्यूचर और स्पॉट का बना ले सकता है, फ्यूचर और स्पॉट कितना स्प्रेड होगा ये एक्सेल फाइल में भी बना सकता है। और भी एक बात है, इधर जो चार्ट देख के आप लोग करेंगे, नेट स्लो है, सोच लीजिए ये चार्ट देख के ये PL को आप लोग को चार्ट में सिग्नल दिया कि ये नीचे जाएगा। तो देखिए आप लोग को हेजिंग करना है मार्केट में, आप लोग को सेफ रहना है कि मेरा स्ट्रेट उल्टा गया भी तब भी मेरे को प्रॉफिट में होगा, प्रॉफिट में रहेगा। तो इधर देखिए 1477 में अब लो प्राइस है, तो इसका अक्टूबर फ्यूचर और कैश का जो डिफरेंस है, कैश में इसका प्राइस ज़्यादा होगा। मैंने इधर देख रहा हूँ, तो कैश को सेल किया और इसको बाय किया और स्टॉप लॉस 10 पॉइंट रखा। तो इधर आके देखिए इधर 1393, तो आप लोग को आसानी से 20-30 पॉइंट का प्रॉफिट हो सकता है। चार्ट में देख के आप लोग बाय सेल करेंगे और स्टॉप लॉस सूटेबल पॉइंट में रखेंगे तो आप लोग प्रॉफिट में रह सकता है। तो आप लोग को और भी एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ, मेरा टाइम होगा तो आप लोग को दिखा देता हूँ, नहीं तो आप लोग अभी तक अभी इस टाइम में आप लोग समझ गए होंगे। मैंने और भी वीडियो बनाया है पार्ट वन और पार्ट टू, उसके बाद मैंने और भी और एक पार्ट वन में कुछ एग्जांपल दिया है और पार्ट टू में भी और कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। तो सोच लीजिए आती इंडस्ट्रीज़ को मैंने देख रहा हूँ, ये आप लोग को देखना पड़ेगा, ये आप लोग को देखना पड़ेगा कि किस में ज़्यादा स्प्रेड है, 1% के ऊपर या 1% के ऊपर या 1% 2% के ऊपर नीचे जाएगा। इंडस्ट्रीज में मैंने दिखाना चाहता हूँ। तो इधर आती इंडस्ट्रीज में मैंने दिखाना चाहता हूँ, देखिए 700 जॉब स्प्रेड जितना ज़्यादा है, जिसमें स्प्रेड ज़्यादा है उसमें आप लोग को जॉब डिफरेंस ज़्यादा होगा उसमें आप लोग को देखना बाई करना है सेल करना है। तो इधर आप लोग देख सकता है 749 में बाई, 746 में 746 में बाई किया NSE में और 749 में बाई की सेल किया BSE में। तो इधर आके क्या हाल हो रहा है देखिए।